क्या हम गुंडे दिखते हैं, क्या हम वो गुंस हैं जो JNU AMU और जामिया में घुस के मारने वाले लोग हैं, हम क्या वो जर्दी वाले लोग हैं, जर्दी कलर के खाकी कलर वाले लोग हैं, क्या हम वो ABP के गुंस हैं जो जाकर लिटरेट लोग को इलिटरेट लाठी से मारते हैं, क्या हम वो लोग हैं? क्यों हमारी आवाज़ को दबाई गई? हम बहुत तकलीफ दे दिल से बोलते हैं आज कि हमारी आवाज़ को क्यों दबाया गया? क्या यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही थी, या किसी के ऊपर जुल्म हो रहा था, या चेयर बिछाए गए थे जिसके ऊपर लोग बैठ कर हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको सुनने के लिए दर्द दिल रख के यहाँ पर आने वाले थे, उनको रुकाया गया? स्टूडेंट्स को वहाँ पर गेट पर रुकाया जाता, आई डी कार्ड देख कर भी छोड़ने नहीं दिया जाता, ये क्यों? हम पूछना चाहते हैं क्यों? क्या ये वो डेमोक्रेसी है जिसको गांधी ने ख्वाब देखा था? क्या ये वो डेमोक्रेसी है जिसको अम्बेडकर के कानून में लिखा गया? क्या ये वो डेमोक्रेसी है जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद से आवाज़ दी थी कि वो उस पार्टीशन में नहीं जाना? क्या ये वो डेमोक्रेसी है, मैं पूछना चाहता हूँ? कौन सी डेमोक्रेसी है ये? ये डिक्टेटरशिप है, मैं कहना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी को तोड़ा जा रहा है, सबोटाज किया जा रहा है और डिक्टेटरशिप को लाया जा रहा है। क्या एक सिटीज़न को, क्या स्टूडेंट को यह हक नहीं है कि उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको आवाज़ उठाएं? जो ये ब्लैक लॉस लाए जा रहे हैं, जो काला कानून लाया जा रहा है NRC और CAA के शक्ल में, हम ये डॉक्टर फेटरनी कहना चाहते हैं, ये CAA और NCR ये कैंसर है, ये सोसाइटी के लिए कैंसर है, ये देश के लिए कैंसर है। और हम इसका ट्रीटमेंट भी जानते हैं, ये ट्रीटमेंट वो गांधी की लाठी है। गोडसे की आइडियोलॉजी को आपको गांधी की लाठी से तोड़ना होगा, वरना ये देश नहीं बचेगा। ये हम जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कोई कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अगेंस्ट द नेशन, ये नेशन के ख़िलाफ़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है ये। इसलिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं कि ये वो तिरंगा जो लहराता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, ना सिर्फ 26 जनवरी को बल्कि हमारे दिलों में जो लहराता है उसको सिर्फ ज़ाफ़रानी रंग देना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ जमा हुए थे। ये पूरी आइडियोलॉजी है जिसको वो छापना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ यहाँ ठहरे थे, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया गया। ये डेमोक्रेटिक राइट जो आर्टिकल 19 देता है, ये उसको सबोटाज करते हैं, उसको रोकते हैं। एक डॉक्टर्स फेटर्निटी जिनका कोट ही अमन की निशानी है, वो अमन वाले लोगों को आप आकर रोकते हैं, बीच गैदरिंग में आके पुलिस इंटरफेयर करती है और रोकती है। कितनी शर्म की बात है, कौन सी डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं? हम सवाल करना चाहते हैं, क्या सवाल करने का भी अख्तियार नहीं है हमें? कौन से सिटीजन है फिर हम, अगर हम सवाल नहीं कर सकते तो हमें तो फिर जंगलों में जाके रहना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जाके रहना पड़ेगा, जहाँ पे कोई सवाल और जवाब नहीं होता, गूंगे बन के रह जाएंगे। ये वो बोल रहे हैं कि पुलिस की तरफ से ये है कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप कहीं एक टूर पे चले जाइए, वहाँ जाकर खाइए पिए और टेंट डालकर वहाँ पर इंजॉय कीजिए। इसको प्रोटेस्ट कहते हैं जब आप हिंदुस्तान के दिल में रहते हैं और आपको कहा जाता है कि जंगल में जाके प्रोटेस्ट करें? क्या जंगली कानून बना रहे हैं आप? यही बात थी और बड़े तकलीफ़ से हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी ये साइलेंट गैदरिंग चलते रहेगी इंशाल्लाह, और हम आर्टिकल 19 का बखूबी फ़ायदा हासिल करेंगे जो अंबेडकर ने बनाया था। ये हमारे हक को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप माइक का परमिशन नहीं दीजिए, लेकिन हमारी आवाज़ को सप्रेस मत कीजिए। पावर ऑफ द पीपल कांट बी सप्रेस बाय द लाठी, हम कहना चाहते हैं, लाठी से हम नहीं रोक सकते आप।